बी नंबर में भी कोई प्रॉब्लम दिखाना है तो चलो अब इसका बी नंबर हमारे पास ए का वैल्यू यहां पर दिया है टू माइनस थ्री फोर सिक्स ना दिया है अच्छा अब देखो हमें पहले इसका एडजॉइंट निकालना होगा ना और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे तो यहां से अगर हम कहेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे दिखाओगे यहाँ पर तो एडजॉइंट ऑफ ए को दिखाओगे यहाँ पे इसको लेंगे ये ढकेंगे सिक्स इसको लेंगे माइनस फोर आ जाएगा इसको लेंगे थ्री आ जाएगा इसको लेंगे टू आ जाएगा इसका ट्रांसपोर्ट निकालेंगे तो एडजॉइंट आ गया सिक्स माइनस फोर थ्री टू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया अब इसका हमें क्या निकालना है तो इसका हमें निकालना है इनवर्स तो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा तो इसका इनवर्स निकाल के पहले तो इसका डिटर्मिनाट वैल्यू चाहिए एडंट ऑफ ए का डिटर्मिनाट वैल्यू तो हो जाएगा यहाँ बारह और प्लस में हो जाएगा बारह यानी कि चौबीस जो कि जीरो के बराबर नहीं है इसलिए ए एडज्वाइंट ऑफ ए का इनवर्स का अस्तित्व है अब देखो इसके हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का क्या निकालना होगा को फैक्टर और को फैक्टर निकाल के इसका एडज्वाइंट निकालना होगा यानी हमें निकालना होगा एडजॉइंट किसका एडज्वाइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट चलिए तो डायरेक्ट ही इसको भी निकाल देते हैं चलो इसको लेंगे, या या टू। इसको लेंगे फोर आ जाएगा प्लस का इसको लेंगे तो माइनस का थ्री और इसको लेंगे तो सिक्स का ट्रांसपोज तो यहां से आ जाएगा टू फोर माइनस थ्री सिक्स ठीक है ये हमने निकाल दिया अब यहां से हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या हो जाएगा यहां से तो हो जाएगा वन बाई ए और इन टू में ऑफ ए का एड ज्वाइंट चलिए तो वन बाई डिटर्मिनाट ऑफ एड ज्वाइंट ऑफ ए चौबीस आया है और इसका वैल्यू यहां पे यह है टू माइनस थ्री फोर सिक्स चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो इतना ही छोड़ सकते हैं अब आर एच एस में देखो क्या है एड्वाइंट ऑफ ए इनवर्स यानी ए इनवर्स का ज्वाइंट तो पहले ए इनवर्स निकालना होगा तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास ए दिया हुआ है तो ए कितना है आपके पास तो ए दिया है टू माइनस थ्री फोर सिक्स 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 अभी इसका इनवर्स निकालना तो पहले इसका डिटर्मिनाट वैल्यू चाहिए ना तो बारह प्लस बारह चौबीस आ गया जो कि जीरो के बराबर नहीं है यानी कि यह भी एडजस्ट करेगा तो अब हम पहले एडजॉइंट निकाल इसका तो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका कैसे निकालेंगे ये आ गया सिक्स यह आएगा माइनस का फोर प्लस का थ्री और यह आ जाएगा टू इसका ट्रांसपोर्ट यानी कि हो जाएगा सिक्स माइनस फोर थ्री टू तो ए दे फोर यहां पे हमारा इनवर्स जो होगा में कि ठीक है? आया। हम, हमें क्या निकालना है एडज्वाइंट ऑफ इनवर्स यानी कि इसका एडजॉइंट एड ऑफ a इनवर्स चलिए तो इसका तो है तो है वैसे ही रहेगा चलिए क्या हो जाएगा तो यह टू आ जाएगा यह लेंगे प्लस का फोर यह लेंगे माइनस का थ्री और यह लेंगे सिक्स का ट्रांसपोज यानी वन बाई ट्वेंटी फोर आ जाएगा यहाँ पे टू फोर माइनस थ्री सिक्स यहाँ से हमें यह देखो एट ऑफ ए इनवर्स और यहाँ देखो टू माइनस थ्री फोर सिक्स आया है और वन बाई ट्वेंटी फोर बाहर है यहाँ भी वही आया है देख रहे हैं ना देरपुर हम लोग यहाँ कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के ये हमने प्रूफ कर दिया समझ गए कि इसमें आगे भी